डॉक्टर लुदा भाई। राजस्थान युवा एकता मंच के आह्वान पर लुदाबाई टोला कर्मियों की बदतमीजी, गुंडागर्दी, नोकझोंक व लोकल गाड़ी वालों से जबरदस्ती टोल वसूलने को लेकर मंच संयोजक कुंवर सिंह तत्माड़ और मंच जिलाध्यक्ष धीरज चौधरी के नेतृत्व में एक दिन का सांकेतिक धरना दिया गया। मंच संयोजक कुंवर सिंह तत्माड़ ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि स्थानीय नागरिकों से टोल के द्वारा जबरदस्ती शुल्क लिया जा रहा है, जबकि हर टोल पर 10 किलोमीटर तक फ्री रहता है। जब स्थानीय नागरिक टोल देने में आनाकानी करते हैं तो टोल कर्मियों के द्वारा बदतमीजी की जाती है और अपमानित किया जाता है, जिसकी वजह से वहां हमेशा झगड़े की संभावनाएं बनी रहती हैं। जिला अध्यक्ष नीरज चौधरी ने बताया कि इसी वजह से सांकेतिक धरना दिया गया है। सुबह 10 से 1 बजे तक टोल प्रशासन से कोई भी बात करने नहीं आया, तब धरना देने वाले युवा एकता मंच के कार्यकर्ताओं का आक्रोश और गुस्सा बढ़ने लगा और टोल जमा करने की धमकी देने लगे। तब जाकर टोल प्रशासन जागा और धरना स्थल पर बात करने के लिए टोल मैनेजर अनूप चौहान आए। काफी जद्दोजहद के बाद उन लोगों ने बात मानी कि सभी लोग स्थानीय नागरिक 10 किलोमीटर तक अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन की फोटोकॉपी और आधार कार्ड टोल पर सुरक्षा इंचार्ज गुड्डा सिंह के पास जमा कराएं, जमा होने के बाद ही गाड़ी निकल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। मैनेजर साहब, देर आए दुरुस्त आए, देर तो आपने बहुत लगा दी, पर फिर भी हम लोहागढ़ के चीते और शान से जीते, ठीक है वो काम, और जो मांग करिए मैं कागज अपने पहुंचा दी हूँ, ठीक है ना। और भैया जब काम नहीं हो तो मेरा नंबर 7972-7474 है, हम सूचना दे दियो पूरी युवा एकता मंच की टीम, तुम्हारा काम नहीं हो तो यहाँ आप समझ सरदारी ने जो आज सहयोग और समर्थन दिया, इसी प्रकार से आशीर्वाद बनाए रखें। राम राम सा, जय हिंद जय भारत।